आज हम आपको बताने जा रहे हैं डीडी और रोज, माँ बेटी की एक ऐसी सत्य कहानी जो सामने लेके आई एक ऐसी बीमारी जिसका कड़वा सच उजाड़ सकता है किसी भी परिवार को। दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। यहाँ हम रोजाना आपके लिए ह्यूमन नेचर या ह्यूमन फैक्ट्स या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते हैं और कुछ खास केस स्टडी जिनके बुनियाद पर हम आपको जागरूक करते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए हेल्दी इंडिया की ये खास पेशकश। स्प्रिंगफील्ड मिसौरी, अमेरिका में रहने वाला ये माँ बेटे का जोड़ा अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। पड़ोसियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और दोनों कहीं भी जाते तो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आते। डीडी की उम्र थी 48 साल। वो बहुत ही स्नेहशील और खुश मिजाज स्वभाव की औरत थी। उनकी बेटी का नाम था रोज। वो व्हील चेयर पर रहा करती थी और बहुत ही कमज़ोर थी। डीडी सबको ये बताया करती थी कि रोज किसी बीमारी से गुजर रही है जिसकी वजह से उसको व्हील चेयर और ऑक्सीजन सिलेंडर की हमेशा ज़रूरत रहती है। डीडी ने बताया कि रोज़ बाल अवस्था से ही बीमार है और पैदा होने पे उसको नवजात अस्पताल में रखा गया था। डीडी ने बताया कि रोज़ की उम्र वैसे 14 साल है पर उसका दिमाग 9 साल के बच्चे की तरह है और वो दूसरे बच्चों के साथ ना तो पढ़ पाती है, ना ही लिख पाती है और ना ही खेल पाती है। इसी वजह से डीडी ने रोज़ को कभी स्कूल भेजा ही नहीं और उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा खुद ही उठाया और वह घर पर ही पढ़ती लिखती है। डीडी ने अपने पड़ोसियों को बताया कि रोज़ के पिता अब उनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो बहुत दारू पिया करते थे और अपनी बेटी की बीमारियों का हमेशा मजाक उड़ाते थे। एमी पिननगर, डीडी की पड़ोसन। कई बार डीडी की बातें सुन के सोचती थी कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की बीमारी की देखभाल करके इतना खुश रह सकती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था जब एक दिन जून में रोज के फेसबुक अकाउंट से आया एक खास पोस्ट कि वो मर गई। ये फेसबुक पोस्ट कई लोगों ने देखा और रोज डीडी के पड़ोसियों ने भी। उनके पड़ोसी चिंता में उनके घर की तरफ भागे और वहां पहुंचकर पुलिस को फोन मिलाया। पुलिस ने आकर घर की छानबीन शुरू की तो डीडी की लाश उसके कमरे में मिली, यानी कि रोज की माँ की लाश। पुलिस ने लाश की हालत देखकर बताया कि डीडी को मरे कई दिन हो गए थे पर रोज का अभी भी कोई पता नहीं मिल पाया। इस समय अलह एमी की बेटी रोज के गायब होने के संबंध में कुछ सबूत सामने लेके आई। उसने पुलिस को बताया कि रोज का एक बॉयफ्रेंड था निकोलस और वो पिछले 2 साल से फेसबुक पे बात कर रहे थे जिसके बारे में डीडी को नहीं पता था। पुलिस ने निकोलस को खोज निकाला और उसके साथ ही मिली रोज। एकदम बढ़िया स्थिति में, यानी कि एकदम ठीक थी और सब रोज को देखकर हैरान थे। रोज बिना व्हीलचेयर ऑक्सीजन मास्क के चल रही थी। रोज पुलिस के सामने रोकर खुलासा करती है कि ये सब धोखा था, एक दिखावा था। रोज के पिता को ढूंढकर जब पुलिस वाले लेकर आए और उनसे पूछताछ की तो सामने आया कि कम उम्र में शादी करने की वजह से वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने डीडी को छोड़ दिया था। पर वो कहीं से कोई नशा या नशे का पदार्थ का सेवन नहीं करते थे। रोज के पिता ने बताया कि वो हमेशा से ही रोज की बात ये किया करते थे और उसे स्कूल की फीस के लिए पैसे भेजते रहते थे। ये केस इतना ज्यादा न्यूज में प्रचलित हो गया कि कई डॉक्टर्स ने अपना बयान इस केस पर भी देने शुरू कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से डीडी को एक खास प्रकार का सिंड्रोम था, इसे कहते हैं मुंचौसे प्रॉक्सी सिंड्रोम। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें एक इंसान का दूसरे इंसान की देखभाल करने का मन करता है। इतना मन करता है कि वो अपनी तरफ से नई नई बीमारियां बना के किसी न किसी की सेवा करते रहेंगे और दवाइयां, ऑपरेशन इत्यादि बेवजह करवाते रहेंगे। डीडी और रोज के केस में ये करना बहुत आसान था क्योंकि डीडी एक नर्स रह चुकी थी तो उनको सारी दवाइयों और सारी बीमारियों के बारे में खास जानकारी थी। डीडी ने रोज के जन्म से ही रोज को दुनिया के सामने एक मरीज बना दिया और 23 सालों से अपनी बेटी को और दुनिया को झूठ बोल के व्हील चेयर पे रखा, ऑक्सीजन मास्क लगा के रखा और ऐसी बीमारियों की दवाई देती रही जो रोज को कभी लेनी ही नहीं चाहिए थी। डीडी ने रोज को इस तरीके से रखा कि उसको कभी किसी से बात नहीं करनी पड़े, तभी स्कूल भी उसको नहीं भेजा गया और किसी भी बच्चे के साथ खेलने या पढ़ने उसे नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, रोज के दिमाग में ये तक डाला गया कि वो 14 साल की ही है, पर पुलिस और रोज के पिता से ये बात करके पता लगा कि डीडी की उम्र 23 साल है। अपनी माँ की मानसिकता रोग की वजह से रोज घुट घुट कर जी रही थी और जैसे जैसे उसको अपनी सेहत के बारे में असलियत का पता लगा
उसने अपनी माँ को मार डाला। डॉक्टर इसे एक खास प्रकार का सिंड्रोम कहते हैं, मुनुचौसे प्रॉक्सी सिंड्रोम, जिसमें एक इंसान जिसका कभी ख्याल नहीं रखा गया होता है वह दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर देता है और ऐसी स्थिति में वह कोई भी कदम उठा सकता है। तो आप भी अपने आसपास देखिए, कोई अगर ऐसा व्यक्ति नजर आए तो आप उसे सलाह या मशवरा जरूर दीजिएगा। और देखते रहिए हेल्थ इंडिया, जहां हम आपके लिए लाते रहेंगे खास केस स्टडीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ताकि आपको भी जागरूक होने का अवसर मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।